जय माता दी। स्वागत है आपका डिवोशनल यात्रा की एक नई वीडियो में। अभी हम सुबह के 7 बजे जा रहे हैं बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए, और हमने रात को 2 बार दर्शन किए थे, एक बार पुरानी गुफा से, एक बार नॉर्मल। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, बाबा भैरव के दर्शन कराते हैं। जय माता दी। तो थोड़ी बहुत स्नो है भैरव बाबा के मंदिर के ऊपर टॉप पे बिल्कुल, बाकी स्नो तो पिघल गई है। तो अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। देखते हैं रोपवे स्टार्ट कितने बजे होगा, नहीं तो पैदल ही जाएंगे। जय माता दी। चलिए चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो सूर्य देवता निकलने ही वाले हैं कुछ ही देर में। और ये देखिए रोपवे स्टेशन, अभी रोपवे चला नहीं है और भैरव बाबा का मंदिर वहाँ ऊपर है। तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्नो दिख रही है, मैंने अभी दिखाया आपको, ये देखिए यहाँ पे टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे है थोड़ी थोड़ी स्नो यहाँ पे। तो ये जेके बैंक का एटीएम भवन पे, और ये पुलिस स्टेशन है यहाँ पे, और ये है स्नान घाट, बहुत ही पुराना स्नान घाट है ये। जय माता दी। अभी सुबह की आरती स्टार्ट होगी और भवन का नज़ारा कुछ ऐसा है, अभी देखिए बहुत ही सुंदर है। और अभी लोग अभी कम भीड़ है लाइन में, क्योंकि अभी दर्शन रोक दिए गए हैं, तो आरती के बाद ही दर्शन होंगे सभी को। और हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है। अभी रोपवे की टेस्टिंग हो रही है और अभी टाइम लगेगा, तो 7:30 का टाइम हुआ है अभी। और ये देखिए यहाँ पे लाइन लग चुकी है बहुत ही ज़्यादा। तो अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, पैदल ही जाएंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे थोड़ा, क्योंकि अभी टाइम लगेगा यहाँ। तो अभी हम भैरव बाबा की चढ़ाई कर रहे हैं, और डोमिनोज के बिल्कुल सामने ही लॉकर सेवा चलती है, यहाँ पे भी लॉकर मिल जाते हैं। ये देखिए बहुत सारे लॉकर रखे हैं, अगर आप अपना ताला चाबी लेके आते हैं तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को किसी बच्चे का मुंडन कराना है तो आप भैरव घाटी के रास्ते में जाते हुए करा सकते हैं, निःशुल्क होता है यहाँ पे ये शॉप। तो ये भवन के पास में ही है, थोड़ा सा ऊपर जाके है भैरव घाटी की चढ़ाई पे, यहाँ पे मुंडन फ्री में होते हैं। अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। जय माता दी। अभी हम भैरव बाबा की चढ़ाई पैदल ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे हल्की फुल्की स्नो दिख रही है, देखो ये स्नो है, उधर भी स्नो है। अभी पूरा ट्रैक खाली है, बस हम 2 बंदे ही जा रहे हैं, सभी लोग रोपवे की लाइन में लगे हैं ज़्यादातर लोग। और रोपवे अभी स्टार्ट नहीं हुआ, 8 बजे स्टार्ट होगा, अभी टेस्टिंग चल रही है। तो हम पैदल पैदल ही जा रहे हैं भैरव बाबा पे। जय माता दी। अभी हम भैरव बाबा की चढ़ाई कर रहे हैं और 368 सीढ़ियाँ ये। तो अभी रोपवे स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हमें जल्दी जाना था, तो हम जा रहे हैं अभी सीढ़ियों से। तो आइए चलिए चलते हैं। जय माता दी। अभी हम भैरव बाबा की चढ़ाई कर रहे हैं, और ये देखिए चढ़ाई में थोड़ी थोड़ी स्नो दिख रही है, बाकी सारी पिघल गई है। तो हल्की फुल्की स्नो है कहीं कहीं, यहाँ पे भी थोड़ी सी है। और ये है माता रानी का भवन, और रोपवे अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, और धूप आने लग गई है थोड़ी थोड़ी भवन के पास। तो सुंदर नज़ारों के साथ दिन की शुरुआत हो रही है हमारी माता रानी के भवन पे, और ये पूरी भैरव घाटी है। तो अभी हमें जाना है यहाँ पे, ये 115 सीढ़ियाँ हैं। रोपवे स्टार्ट हो गया, 8 बज गए, 8 बजे से पहले स्टार्ट ही नहीं होता ये। ये देखिए स्टार्ट हो गया है और जा रहा है अभी भैरव बाबा पे। तो भीड़ काफ़ी थी, तो हम पैदल ही आ गए और भैरव बाबा पे पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, आधे घंटे में हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके रोपवे स्टेशन है, यहाँ से आगे देखिए। तो ये है पूरी 107 सीढ़ियाँ, अभी हम पहुँचने वाले हैं, ये थोड़ी सी रह गई हैं। तो माता रानी के भवन के दर्शन हो रहे हैं, और देखिए रास्ते में स्नो भी मिल रही है, अभी कुछ कुछ स्नो बची हुई है।
ये भैरव बाबा की घाटी पे है और ये रोपवे स्टेशन से जस्ट नीचे ही बची हुई है। थोड़ी सी बहुत सुनो, ये है रोपवे स्टेशन, यहाँ पे आपको ड्रॉप कर दिया जाता है और वहाँ से निकलना होता है, वो जो नीली शेड है। और अगर आप यहाँ से भी टिकट लेके जाना चाहते हैं तो 100 रुपये की टिकट लगेगी और यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी। एक साइड की भी 100 रुपये है, दोनों साइड की भी 100 रुपये है। तो अब हम पहुँच गए हैं भैरव बाबा के मंदिर पे, तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। जय माता दी। अभी हम भैरव बाबा मंदिर पे पहुँच चुके हैं और दर्शन करने जा रहे हैं। भीड़ नहीं है तो यहीं से लाइन है, थोड़ी सी लाइन लगी हुई है, तो यहाँ से एंट्री हो रही है हमारी। ये देखिए भैरव मंदिर, भीड़ अभी है नहीं, तो अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने। जय माता दी, जय बाबा भैरवनाथ। अभी हम आ गए हैं भैरव बाबा के दर्शन करने और भीड़ नहीं है अभी। समझ गए तुम लोग, आगे निकल आएंगे। अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। ये है बाहर जाने का रास्ता। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं, भीड़ क्योंकि कम है। अभी हम हैं भैरव बाबा मंदिर पे और यहाँ पे लंगर सेवा शुरू हो गई है। ये देखिए भैरव लंगर, तो भैरव बाबा का लंगर चलता है यहाँ पे। लंगर हॉल यहाँ है नीचे उतर के, वो सामने वहाँ पे। तो टाइमिंग है इसकी 7:30 से 3 बजे तक और 4 से 12 बजे तक रात के। तो आप यहाँ जाके प्रसाद ले सकते हैं। अभी हम लंगर हॉल में हैं। ये है भैरव बाबा पे स्थित लंगर हॉल। यहाँ पे अभी सुबह के टाइम चाय मिल रही है और दाल चावल प्रसाद मिल रहा है, तो सभी लोग चाय और प्रसाद ले रहे हैं। तो अभी हम भी आए यहाँ पे प्रसाद लेके, फिर चलते हैं आगे नीचे अर्धकुंवारी मंदिर के लिए। दर्शन हमारे हो चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी मंदिर के लिए और भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं और हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। सांची छत होते हुए जाएंगे हम। अभी सुबह के 9 बज गए हैं, देखते कितनी देर में हम पहुंच जाएंगे सांची छत। तभी भैरव बाबा से उतरते वक्त हमें फिर से हिरन दिखा, ये देखिए बिल्कुल सामने ही खड़ा है। अभी हम हैं सांझी छत पे और अभी जा रहे हैं हम प्रसाद भवन में। यह है प्रसाद भवन सांझी छत का, तो चलिए प्रसाद ग्रहण करते हैं यहाँ पे। यहाँ मिलता है हलवा प्रसाद, यहाँ से एंट्री होती है। अभी हम है सांझी छत पे और ये सांझी छत का यात्री निवास है, इसका रिसेप्शन ये है। तो यहाँ पे भी डोमेट्री मिल जाती है, अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं रात को तो रुक सकते हैं। तो यहाँ पे कंबल भी मिल जाते हैं और डोमेट्री है ये, और यहाँ पे कंबल स्टोर भी है, ये है, और ये फ्री है। देखिए यहाँ पे, तो आप यहाँ के रुक सकते हैं।
और यहाँ पे कंबल मिलते हैं, और ये शाम को 7 बजे खुलता है। लेकिन तो अभी हम जा रहे हैं कटरा के लिए। अभी हम हाथी मत्था पे आ चुके हैं। ये देखिए सामने जो दिख रहा है ये पूरा हाथी मत्था है, और ये पूरा हाथी के सूंड के आकार का, इसलिए इस स्थान को हाथी मत्था कहते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, सीढ़ियाँ आ गई हैं, 76 सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से जाएंगे नीचे। अभी हम जा रहे हैं हरिद्वारी भवन की तरफ, और यहाँ से ये नीचे सीढ़ियाँ उतर रही हैं। और ये सीढ़ियाँ देखिए, ये पुराना रास्ता है, काफ़ी प्राचीन रास्ता है ये। सबसे पहले यहीं से उपयोग होता था ये रास्ता, सीढ़ियों से जो बना हुआ है ये, इसी सीढ़ियों का प्रयोग करके लोग ऊपर जाते थे। तो अभी हमने गर्भजून गुफा में दर्शन कर लिए हैं। हम यहाँ पे 10:30 बजे आ गए थे, तो दर्शन हो गए हमारे, और यहाँ पे हम लॉकर रूम में गए थे, यहाँ सामान जमा करने। ऊपर यहाँ पे क्लॉक रूम है, यहाँ सामान जमा करके हम जल्दी से गए, क्योंकि हमारा नंबर निकल चुका था तब भी हमें एंट्री मिल गई थी। तो हमें 1.5 घंटा लग गया दर्शन करने में। तो मुझे अभी यहाँ पे दोबारा 11 साल बाद दर्शन हुए, कई बार आया लेकिन नंबर नहीं आता था। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे कटरा के लिए, तो चलिए जय माता दी। अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा से नीचे, और देखिए ये भाई कैसे चल रहे हैं। कुछ लोग ठीक ठाक होते हैं, वो भी घोड़े पे आते हैं दर्शन करने के लिए, और ये भाई पैदल आए हैं और पैदल ही जा रहे हैं। अभी हम बाणगंगा पे पहुंच चुके हैं, वाटिंग घाट पे, और बाणगंगा में जल बहुत ही कम है, तो बहुत सारे लोग यहाँ स्नान भी कर रहे हैं। और अभी हमें जाना है यहाँ से कटरा की तरफ, तो यहाँ पे न्यू ताराकोट मार्ग के लिए आपको लेफ्ट होना होगा यहाँ से, और यहाँ से आप ताराकोट मार्ग पे जा सकते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, और सामने गुलशन कुमार जी का लंगर भी है यहाँ नीचे जाके। तो यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी, और यहाँ जाना पड़ेगा आपको लंगर में। देखिए ये है नीचे, यहाँ पे बहुत सारे लोग लंगर कर रहे हैं अभी। तो ये है लंगर का स्थान, और ये गुलशन कुमार जी का लंगर काफ़ी सालों से चल रहा है यहाँ पे लगातार। अभी हम आ गए हैं एग्जिट पॉइंट पे, तो यहाँ पे RFID कार्ड जमा होगा, वो देखिए सामने बंदे खड़े हैं, काउंटर बना हुआ है। अगर आप यहाँ से आगे ले जाते हैं कार्ड तो आपको फ़ाइन लगेगा 100 रुपीज़ का। तो यहीं से ही जमा करा के आगे बढ़ना होता है, और सामने कटरा जाने का रास्ता है। अभी हम आ गए हैं कटरा चौक पे अपनी यात्रा पूरी करके। तो ये पूरा कटरा चौक है, और अभी हमें यहाँ से जाना है रेलवे स्टेशन, लेकिन उससे पहले हमें प्रसाद लेना है, तो हम जा रहे हैं मार्केट में। अभी हमारे संपूर्ण दर्शन हो चुके हैं, और हम आ गए हैं श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा में, और यहाँ से अभी हमारी ट्रेन है शाम को, तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। जय माता दी।